दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए तो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समस्याओं से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। जब मन कमजोर होता है, परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है, परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। आप दुखों पर जितना ज्यादा ध्यान देंगे, उतने ही आप दुखी रहेंगे, और जितना अधिक नजरअंदाज करेंगे, दुख उतना ही कम हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है, आप जिन चीजों पर अपना ध्यान लगाते हैं, वही चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाती हैं। हो सकता है कि कड़त हमें यह न सिखाए कि सुख को कैसे जोड़ा जाए या दुख को कैसे घटाया जाए, लेकिन यह हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है कि हर समस्या का समाधान होता है। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुबह सुबह चिंता, क्रोध व दर्द देने वाली सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसका असर आपके पूरे दिन व आपके अनमोल जीवन पर पड़ता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ यदि मनुष्य समझ जाए, तो आदि समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। जीवन की हर स्थिति में खुश रहना सीखिए, क्योंकि आधी बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती हैं। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अहमियत खुद की नजरों में होनी चाहिए, दूसरे की नजर तो केवल हालात देखती हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। कभी कभी समस्याएं हमारी जिंदगी में ऐसी भी आती हैं कि आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसे नहीं करते। इसलिए रास्ता वो चुनो जो मन को अच्छा लगे। बेमन से चुने रास्ते हमेशा जिंदगी को भटकाते हैं। जिंदगी में कभी भी मुश्किलें आए तो शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान मुश्किलें उसी को देता है जो मुश्किलों से कभी हार नहीं मानता, और वह इंसान भगवान का प्रिय इंसान होता है। हमारी जिंदगी की बेहतरीन समस्या ये भी है, मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं, तो परवाह मत करो, क्योंकि तुम यहाँ पर किसी का मनोरंजन करने नहीं आए। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे, क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। आदमी के सामने जब समस्याएं आती हैं या संकट आता है, तभी वो कुछ सीखता है
खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है पर साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। जब बुरा वक्त आता है तो वो लोग भी आप पर हावी होने लगते हैं जिनकी आपसे बात करने तक की औकात नहीं थी। नीच व्यक्ति वही होता है जो प्रतिष्ठा पाने के बाद सबसे पहले उसी व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिश करता है जिसकी मदद से वह बड़ा बनता है। शिकायतें छोड़िए, शुक्रिया अदा कीजिए। आपके पास जितना है न जाने कितनों के पास उतना भी नहीं। हम परेशान हैं और शिकायत करते हैं, दो ही कारण है, एक हमें तकदीर से ज्यादा चाहिए और दूसरा हमें वक्त से पहले चाहिए। आप सदैव ये कहिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप देखेंगे जो बुरा होने वाला है वो भी अच्छा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली वो कल अवश्य बदल जाएगा, जिसने आदतें नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है।